गणमान्य अतिथि यहाँ मंच पर विराजमान है, सभी को संबोधित कर दिया है, सब लोगों का स्वागत है। मीडिया के बंधु और बड़ी संख्या में दूर दूर से यहाँ पर जनता आई है। तमाम महानुभावों को हम नमन करते हैं। प्रदेश सब और हाथ खड़े करके खूब ऊंचे से बोलना है, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारत के छत्रवें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर ढालपुर के मैदान में उपस्थित श्रीमान आशुतोष गर्ग जी, एसपी कुल्लू, श्रीमान गुरुदेव शर्मा जी, बंजार विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय युवा विधायक श्रीमान सुरेंद्र शौरी जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती धनेश्वरी ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज के वाइस चेयरमैन श्रीमान युवराज बौद्ध जी, जिला परिषद के अध्यक्ष, माताएं, नौजवान दोस्त, बुजुर्गों और प्रिय बच्चों, मैं सबसे पहले इस पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं। ये तिरंगा फहराने का काम सन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार में फहराया था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सरकार को दुनिया के 9 देशों ने मान्यता प्रदान की थी और उसी को लेकर के यहाँ पर सफलता पूर्वक आयोजन किए गए हैं, सभी को बधाई देता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ वो हमारे प्यारे बच्चे हैं जो हमारे देश का भविष्य हैं, उन बच्चों ने अपने स्कूलों में, चाहे सरकारी स्कूल है, चाहे कॉलेज है, चाहे यूनिवर्सिटी है, चाहे प्राइवेट स्कूल है, हर स्कूल में ने भी तिरंगा यात्राएं की है और तिरंगा यात्रा का वातावरण बनाने के लिए सभी का योगदान रहा है, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत तारीफ करता हूं, सराहना करता हूं। और मैं एक बात ये देख रहा था कि कुल्लू जिला ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम में बहुत बढ़िया भागीदारी की है और कुल्लू जिला के महिला मंडलों ने, युवक मंडलों ने, ग्राम पंचायतों ने, नगर निकायों ने, सभी ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है और इसलिए दुनिया भी देख रही है, कभी दुनिया में इतने करके दिखाया है। और आज हम सबको स्मरण करना है, ये तिरंगे की आन बान और शान कहां नजर आती है। 2300 बच्चे मेडिकल शिक्षा के लिए गए थे और जब वो बच्चे वहां पर फंस गए तो दुनिया का कोई देश अपने नागरिकों को ला नहीं पाया, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में भारत के 23,000 बच्चे हैं, हमारे बच्चों का बाल बांका नहीं होना चाहिए। और फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बात की कि हमारे बच्चों का ध्यान रखना। अब जब 23,000 बच्चे आए हैं, जब उनसे मिलते हैं, ये बच्चे बताते हैं
कि तिरंगा कितना ताकतवर दुनिया में हो गया है। वो कहते हैं जब रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच में भी जब हम तिरंगा लेकर के चलते थे, कोई गाड़ी जिसमें तिरंगा लगा है ना यूक्रेन के सैनिक तंग करते थे ना रूस के सैनिक तंग करते थे, और हम सबको कुशल अपने घरों तक पहुंचाने का काम किया है। ये तिरंगे की ताकत दुनिया ने दी है, और आज तिरंगे की ताकत अगर किसी ने देखी तो जर्मनी की राजधानी में जाकर के देखा। जब भारत के प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचते हैं, वह हाथ में तिरंगा लेकर के हमारी जनसंख्या बढ़ी है और कहते हैं कि भारत को मैं जब चंद्रयान प्रथम का प्रकीर्ण किया और आज मानव सभ्यता ने सबसे बड़ी कोरोना महामारी को देखा है। कोरोना महामारी से बाहर निकलने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा हम अपने देश में अपनी वैक्सीन बनाएंगे, देश के वैज्ञानिकों को बुलाया, रिकॉर्ड समय में अपनी दो स्वदेशी वैक्सीन तैयार करके दी, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, और दुनिया काल इसको लोगों को मुफ्त वैक्सीनेशन करके सबके जीवन की रक्षा की है। और उसके साथ हम एक बात कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार क्या काम करती है, जहां भारत के प्रधानमंत्री ने स्वदेशी वैक्सीन बना करके सबको वैक्सीन लगाने का काम किया और सबको मुफ्त लगाई, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने पहली और दूसरी डोज लगाने में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है, जिसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज कहते हैं कि भारत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को शासन का मूल मंत्र बनाया है, जिसका परिणाम यह है कि आज देश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 2014 के बाद, जब 2014 था तब भारत ईज मोदी जी के नेतृत्व में 63वें स्थान पर आ गया है, और इस प्रकार नागरिकों के जीवन को सरल बनाने की दिशा में भारत सरकार द्वारा सरकारी सेवाओं के डिजिटलाइजेशन पर बल दिया। ऐसा काम सबको करना चाहिए। मैं इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।